ब्रह्मा बाबा हो और चाहे तीसरी मूर्ति हो, पहले पहले राज्य नारायण के रूप में होता है, राम के रूप में होता है, राजाओं का राज्य होता है सत्व प्रधान स्टेज में, फिर जब लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं तो महाकालियों का राज्य हो जाता है। इंदिरा गांधी का राज्य कब हुआ? तमो प्रधान स्टेज में इंदिरा गांधी का राज्य हो गया। सीढ़ी के चित्र में भी क्या दिखाया है? द्वापर युग से पूजा होती है स्त्री रूप की या कलयुग में होती है? कलयुग में होती है, लेकिन वो भी सिंगल स्त्री की, उसके साथ पुरुष नहीं दिखाया जाता। पुरुषों को तो महाकाली को दिखाया गया, लात मारती है। क्यों क्यों लात मारती है? अरे लात मारने का कोई कारण होगा कि नहीं? अरे कोई कारण नहीं, ऐसे ही लात मार देती है। क्या कारण है? इसे नहीं विकारी होती है, सुपन गाय पूतने नहीं होती है। हाँ है? हाँ, जो पुरुष हैं वो ए टू जेड सारे के सारे दुर्योधन दुशासन, और स्त्रियां ज्यादातर अच्छी और इक्का दुक्का, कोई सुपन का पुत नहीं निकल आती। हाँ जी, हाँ जी। और बोलो बोलो बोलो, नहीं तो इशारा मिल रहा है, क्लास खत्म। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बोलते जाओ। है बताओ, क्या हुआ? कहाँ? यहाँ सुख भोगना है, भोग रहे हैं। अभी तक दुखी है ना? अभी तक तो दुखी है ना? हाँ, सब सुख हो गए। हाँ, अभी तो सुख है। जो बुद्धू होते हैं वही तो सुख भोगते हैं। जो बुद्धू देवताएं होते हैं वो सुख नहीं भोगते। अभी महसूस हो रहा है ना? अभी महसूस हो रहा है ना? वहाँ तो महसूस नहीं हो रहा। वहाँ वहाँ जहाँ की बात कर रहे हैं, अच्छा चलो पूरी बात कर दो। हाँ हाँ, वहाँ तो महसूस ही नहीं होता ना, जैसे मैं दुखी होते हैं महसूस ही नहीं होते। क्या नहीं महसूस होता? सुख महसूस नहीं होता।
अच्छा वहाँ मन मन बुद्धि होती है कि नहीं? होती है सर कृष्ण। अरे तुमने लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं देखा? नीचे राधा कृष्ण देखे कि नहीं? बोल राधा कृष्ण को देखा? अरे ध्यान से देख लो। नहीं देखा? पूछो 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 पूछो, इसे आना कराओ। देखा क्या कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी नारायण का चित्र लाओ, इनको दिखाएं। लाओ लक्ष्मी नारायण का चित्र। माता को यही पता नहीं है कि सत्युग में शरीर से सुख भोगा जाता है कि बिना शरीर के? देखा ही नहीं उन्होंने? चित्र ही नहीं देखा? लाओ 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 लाओ। माता आगे बढ़ जाओ। बाबा ने कहा ओ छत इतने चित्र बड़े बड़े बनाओ, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खोले। हाँ दिखाओ दिखाओ इनको, दिखाओ सब। वो बात बताओ, समझाओ। ये ऊपर से मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो। हाँ पहले ये बता दो फिर वो बताओ। देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं? आनंद अनुभव आँखों से होता है कि बिना आँखों को होगा? सुख ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये दुखी है कि सुखी है? ये ऊपर वाले दुखी है कि सुखी है इनके मुकाबले? ये ज्यादा सुख भोग रहे बिना शरीर कैसे सुख भोग रहे? अरे शरीर होगा तो सुख भोगेंगे, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। अम्मा है, अम्मा है, बच्चा है, बच्चा है, अम्मा है, दोनों एक दूसरे को सुख भोगते हैं तो अम्मा बच्चे को करती है ना, सुख भोगती है ना बच्चे का। शरीर के साथ है, शरीर की इंद्रियों से ही सुख भोगती है। ये कहाँ सुख भोग रहे हैं? हाँ? हाँ जो आत्मिक स्थिति उसे कहेंगे कि शरीर की इंद्रियों की दरकार ही नहीं, शरीर की इंद्रियों से परे का सुख हो गया, उसे कहेंगे अति इंद्रिय सुख। शरीर की इंद्रियों से भी परे का सुख, इंद्रियों की दरकार नहीं, इंद्रियां हो तो भी कोई अंतर नहीं, इंद्रियां न हो तो भी कोई अंतर, इनको तो सुख भोगना है। सुख
आपके प्रश्न का समाधान हुआ? क्या समाधान हुआ इनका? प्रश्न क्या था, पूछो इनसे। अभी हम प्रसाद कर रहे हैं, हाँ, तो इसका सुख कब भोगते हैं? अभी जो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इंद्रियों का कर रहे हैं पुरुषार्थ, इंद्रियों के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इंद्रियों से परे होकर सिर्फ मन के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हैं? मन द्वारा शरीर की जरूरत नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं, कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे बाप रे, क्या हाँ, हाँ तो खाना बंद कर दो, नौ इंद्रियों से कुछ भी सुख लेना बंद कर दो, खाना पीना बंद। ये द्वारा सुखम मर्चिपी अनग्रह मर्चिपी मर्चिपी आते बंद शरीर कैसे रहेगा? और शरीर की चिंता हो रही है तो शरीर का सुख भी मिलेगा? शिव बाबा के बच्चे आत्मा हैं या शरीर है? आत्मा है ना, तो शिव बाबा के बच्चे जब आत्मा हैं तो आत्मा को आत्मा का सुख चाहिए या शरीर का सुख चाहिए, कौन सा चाहिए? आत्मा का सुख चाहिए तो आत्मा का ही पुरुषार्थ करो, शरीर को क्यों परेशान कर रहे हैं? शरीर है तो हाँ। आत्मा सुख भोगेगा। अरे बाप ने गारंटी दी है, मेरे बच्चे जो आत्मा है वो भूख नहीं मर सकते। अरे कोई भी इंद्रिय की हर इंद्रिय की अपनी भूख होती है, आंखें चाहती है अच्छा अच्छा देखने के लिए, आंखें चाहती ही नहीं अभी। अरे दृष्टि पवित्र हो गई, दृष्टि अच्छा अच्छा दृश्य देखना चाहती है, मनमाना कि नहीं चाहती है, तो भूख है कि नहीं दृष्टि की? ऐसे ही कान कोई गालियां देता है, उल्टी पल्टी बातें बोलता है, ग्लानी सुनाता है, कान वही चाहते हैं या कान मीठा मीठा सुनना चाहते हैं? कानों की भूख है ना, है ना कानों की भूख, मुख की, मुख लड्डू पेड़ा खाना चाहता है, चाहता है ना, कड़ुआ कड़ुआ कोई विष पिलाए हे भगवान हमारा पीछा छोड़ाओ इससे, चाहता है ना। ऐसे ही कोई भी इंद्रिय हो, चाहे शेष इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनकी भूख खत्म हो गई है क्या? खत्म हो गई नहीं, खत्म हो गई, अभी इच्छा है अंदर कुछ तो खाने को मिले, अरे थोड़ा तो मिल जाए, अकाल पड़ेगा तो रोटी टुकड़ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं चाहिए, लेकिन बाप तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े तुम भूख नहीं मरेंगे। माना ऐसी स्टेज भी आएगी कि जहां आत्मा को इस शरीर के लिए न भूख लगेगी ज्यादा न प्यास लगेगी ज्यादा, कम होते 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 होते
हवा में ही, आकाश में ही, जो हवा है ना, हवा में पानी होता है कि नहीं? होता है। हवा में मिट्टी के कण होते हैं कि नहीं? हवा में मिट्टी भी है, हवा में पानी भी है, और हवा में सूर्य की गर्मी भी है, अग्नि है कि नहीं? अग्नि भी है। इन पांच तत्वों से ही भोजन बनता है। वो पांच तत्व जो है वो हवा के द्वारा आत्मा ग्रहण करेगी, इंद्रियों के द्वारा ऐसी स्टेज भी बन जाएगी। जब जो झूठे योगी होते हैं वो पांच पांच छह आठ आठ दिन महीने महीने भर का कुंभक चढ़ा के बैठ जाते हैं जमीन के अंदर, और महीने भर के बाद उनको बाहर निकाला जाता है तो जिंदा निकलते हैं मरे हुए। कहते हैं हम दो महीने के लिए समाधि लेंगे, दो महीने अंदर बैठते हैं, जिंदा निकलते हैं मरे हुए। तो फिर उनका तो झूठा योग है और हमारा तो सच्चा योग है। लेकिन अभी जो संगम युग है, उस संगम युग में हम चाहते तो हैं, क्या चाहते हैं? हमें सुख ही सुख मिले, दुख दुख न मिले। लेकिन भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, ए भगवान तुम तो आ गए इस सृष्टि पे, आ गए, तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ? भगवान तुम्हारे आने का क्या फायदा हुआ? अरे भगवान आया तो हम सुखी होने चाहिए, हम दुखी क्यों हैं? अरे देवता बन जाएंगे, वहां देवता है तो सब सुखी होंगे, वहां सुख होना क्या बड़ी बात है? अरे भगवान अभी आया है तो हमें सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हम दुखी क्यों हैं? अरे हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, स्वर्ग का रचयिता भगवान आया हुआ है, तो हम स्वर्ग के रचयिते बाप की गोद में आ गए, गोद के बच्चे बन गए, तो हम सुखी होने चाहिए, हम दुखी क्यों हैं? हे भगवान तू भगवान नहीं है, मुझे संशय आ रहा है। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान रोज चिल्ला रहे हैं, अपन को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। ऐसे कहा, अपन को कान समझ, अपने को मुख समझ, अपने को भोग इंद्रिय समझ, उनकी याद बार बार क्यों आती है? अरे इंद्रियों की याद आती है कि नहीं पूछो। ఏదో ముందే గుర్తొస్తూనే ఉంటాయి కదా, అంటే యోగం పూర్తిగా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ అనుభవం కాదు భగవాన్ బనాతా హై। लेकिन डुप्लीकेट भगवान बनाता है, सदाकाल का भगवान नहीं बनाता है। बिंदु मात्राओं का बाप बिंदु बनाएगा, निराकारी स्टेज वाला बनाएगा, लेकिन सदाकाल का नहीं बनाएगा। भगवान शंकर भगवान भगवती को पहला भगवान भगवती को बनाता है ना, उसको किसने बनाया है? वो बिंदु आता है, उस शरीर में प्रवेश करता है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले पहले भगवान बनाता है, लेकिन डुप्लीकेट बनाता है,
कि सदाकाल का बनाता है, सच्चा बनाता है। सच्चा भगवान बनाता है या झूठा बनाता है? झूठा अल्पकाल का और सच्चा सदाकाल का। तो कैसा भगवान बनाता है? तो झूठा हुआ, डुप्लीकेट हुआ या ओरिजिनल हुआ? है डुप्लीकेट। हाँ, ये कहेंगे दुनिया में जितने भी डुप्लीकेट भगवान बन के बैठते हैं, उन डुप्लीकेट भगवानों के बीच में वो अव्वल नंबर है। क्या करें, मिले न फूल तो पाते ही सही, अंधों में काना राजा ही सही। जिसको नजर होगी उसी से होगा, अंधे के द्वारा थोड़े ही होगा। इस दुनिया में कोई इन आंखों का अंधा हो, उस आंखों के अंधे के द्वारा वो सुप्रीम सोल आकर के नजर से निहाल करेगा? करेगा? अभी हमको अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तो उनको बोलो है नहीं हो रहा है ना। अच्छा, आपको अकेले की बात है या सब की बात है? क्यों भाई, सब की बात है, किसी को भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है? इन आंखों से, इस नजर से देख करके एक सेकेंड या दो सेकेंड या चार सेकेंड के लिए नजर से निहाल होने का किसी को अनुभव नहीं हो रहा है इस दुनिया में। निहाल माने खुश, खुशी। निहाल माने खुश, प्रसन्न, भले थोड़े टाइम के लिए। तो अभी वो निहाल होने की अनुभूति थोड़े समय के लिए या कुछ ज्यादा समय के लिए अनुभव हो रही है या नहीं हो रही है? सदाकाल तो तभी होगा जब हम अपन को आत्मा ही समझे, मुख न समझे। मुख सदाकाल अगर समझा है या अल्पकाल समझा है, अल्पकाल के ये मुख समझते हैं, कान समझते हैं, आंख समझते हैं, कोई भी इंद्रिय समझते हैं अल्पकाल के लिए, तो उसकी भूख पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? अगर भूख पूरी करते हैं तो आत्मा है या भोगी है? हम खुद भोगी है, देहाभिमानी है। तो भगवान का वाक्य तो कट गया। भगवान तो कहता अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो हम पहली जो एग्रीमेंट है भगवान का वो पूरा कर रहे हैं, पहला एग्रीमेंट पूरा कर रहे हैं, अपन को आत्मा समझ रहे हैं 24 घंटे। तो हम भगवान के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? हाँ जी, नहीं गेंगे गेंगे तो ठीक, लेकिन माता का कहना अभी क्यों नहीं अनुभव होता है? सदाकाल नहीं, सदाकाल नहीं रहता। सदाकाल की बात छोड़ दो, थोड़ा होगा तो ज्यादा भी होगा, मीडियम भी होगा, फिर फुल भी होगा। अरे जिसको अनुभव कोई नहीं रहा है तो कैसे विश्वास करे कि भगवान आया हुआ है? भगवान तो आया है। अरे कैसे आया हुआ है? आपने कैसे जाना कि आया है? आपने कैसे जाना कि भगवान आया हुआ है? है नजर से निहाल, अभी का नहीं है, थोड़ा है तो ज्यादा भी हो जाएगा। अगर थोड़ा है तो ज्यादा होगा या नहीं होगा? हम्म,
देते रहते हैं ना, सब हो रहा है। हाँ, देखो कोई आत्माएं ऐसी होती है इस दुनिया में कि एक नजर मिल गई, लैला मजनू की कहानी, एक नजर मिल गई जिंदगी में एक ही बार, सीधी फरहाद की कहानी, एक नजर जिंदगी में एक बार मिल गई और जिंदगी भर याद आती रहती है, है ना? है? तो इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का प्यार उनका है या नहीं है? है? लक्ष्मी और जगदम्बा, जगदम्बा ने जितनी स्थूल दृष्टि से, स्थूल कानों से, स्थूल मुख से, जितनी सब प्रकार की स्थूल इंद्रियों से जगदम्बा ने सुख लिया होगा, उतना लक्ष्मी ने ना के बराबर। क्या बात है? ये लक्ष्मी वाली आत्मा लक्ष्मी बन जाती है और जगदम्बा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्या कारण हुआ? है? अरे लक्ष्मी वाली आत्मा ने कुछ तो नजर से नजर मिलाई होगी, नहीं मिलाई होगी? हाँ, कुछ न कुछ है, बीज पड़ा हुआ है नजर से निहाल होने का। उसको जो अनुभव एक बार हो गया, वो अनुभव और दूसरी आत्माओं को नहीं हो पाता, इसलिए वो सारी जिंदगी के पुरुषार्थ में दूर रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण की नजर सामने, लक्ष्मी की नजर सामने, संपूर्ण स्टेज हो गई तो भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। मिल पा रहे हैं? हैं? राधा कृष्ण तो फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहे हैं, संपूर्ण नजर से भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो आत्मा जिंदगी में कभी नजर से निहाल हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है? हुई है। और अपने 63 जन्मों की प्योरिटी के हिसाब से उसमें ये पावर है, बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। वो एक सेकंड की दृष्टि से ही सारे जीवन का पुरुषार्थी जीवन उस स्वरूप को याद कर लेती है और प्राप्त कर लेती है। तो थोड़ा अनुभव होगा तो ज्यादा भी हो सकता है, अगर थोड़ा भी अनुभव नहीं होगा नजर से निहाल होने का तो ज्यादा भी अनुभव नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? आप ये कह रहे हैं थोड़ा अनुभव होता है, अल्पकाल का होता है, तो आशा होनी चाहिए अल्पकाल का होता है तो ज्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ नजर से निहाल होने का ऐसे तो दुनिया में बहुत से मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष बहुत से होते हैं जिनकी नजर मिल जाती है तो समझते हैं बस हमें पति परमेश्वर भगवान मिल गया। वो बात नहीं, उसमें तो ये भी इच्छा होती है कि सिर्फ नजर ही नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, सारी इंद्रियों का सुख चाहिए, लेकिन भगवान के लिए कोई जरूरी जरूरी नहीं है क्या कि नजर से निहाल अगर 10 सेकंड 1 सेकंड हो गए तो सारी इंद्रियों का सुख मिलेगा तभी भगवान की पूर्ति प्राप्ति होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सी आत्माएं होंगी ऐसी दुनिया में, 16,000 ही तो सरेंडर होते हैं, वो सरेंडर होकर के शरीर के संपर्क संबंध में और संसर्ग में नंबर बार ही तो आएंगे, बाकी जो ढेर की ढेर आत्माएं हैं 9,00,000 या 4,50,000 वो भगवान के कनेक्शन में नहीं आएंगी क्या? आएंगी,
वो नजर से निहाल नहीं होंगी, है नंबर वन निहाल होंगी। उन्हें नजर के अलावा कुछ और मिलेगा क्या? सारे 4 लाख की पब्लिक बैठा दो, माउंट आबू बैठा दो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, बीच में शीशा लगा दो, बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई पड़ेंगी। नजर से तो निहाल हो सकते हैं 4.5 लाख कि नहीं हो सकते? सारी इंद्रियों से तो निहाल नहीं होंगे, होंगे हैं? सारी इंद्रियों से निहाल नहीं हो सकते, नजर से निहाल हो जाएंगे। तो नजर का ही विशेष गायन है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु, भगवान से प्राप्ति करने वाला आखिरी धर्म है कौन सा है? सिख धर्म आखिरी धर्म जो भगवान से प्राप्ति करता है, उसमें भी ये गायन है। क्या सब इंद्रियों से कनेक्शन नहीं होगा भगवान के साथ? सब इंद्रियों का संग का रंग नहीं मिलेगा, लेकिन ये पक्का है कि आखिरी धर्म की आत्माएं जो नई शक्ति का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप आत्माएं होंगी, सिख धर्म की आखिरी धर्म की है ना, नजर से निहाल जरूर होंगी। हैं दूर वाले, नजदीक वाले हैं या दूर वाले हैं? जितने भी धर्म हैं भगवान से प्राप्ति करने वाले, उनमें नजदीक वाले हैं या दूर वाले हैं? दूर वाले हैं, सबसे दूर वाले, सन्यासियों से भी ज्यादा दूर है। लेकिन उनमें ही भी ये गायन है, उनमें सबसे जास्ती इस बात का गायन है। किस बात का गायन है? नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु, माने वो दूर बैठ के भी भगवान की नजरों से इतनी निहाल हो जाएंगी कि वो आत्माएं भी भगवान से प्राप्ति कर जाएंगी। और हो गया, ओम शांति। आधा घंटा वार्तालाप सोलह कला का क्लेरिफिकेशन। प्रैक्टिकली इसे दुनिया में देखा जाए तो सोलह कला संपन्न और कलाहीन कौन बनता है? जो देखने में भी आता है, ज्योतिषी लोग पहले से बताए देते हैं, इस तिथि तारीख को कलाहीन बनने वाला है और इस तिथि तारीख को 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। इस दुनिया के लिए भी लागू होता है। वो कौन है? चंद्रमा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण कौन है जो पहला पहला देवता बनता है? है? अरे ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ना, तो देवता बनने वालों में कोई ऐसा भी तो होगा जो पहले पहले देवता बनता हो, वो कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा,
अभी भी देखने में आता है, कृष्ण वाली आत्मा देव आत्मा है, इसका कोई प्रूफ है क्या? क्या है प्रूफ? है, क्योंकि जो देवता होगा वो धारणा की वाणी सुनाएगा, भगवान होगा तो ज्ञान की वाणी सुनाएगा, असुर होगा तो अज्ञानता की बातें करेगा, कलाहीन बनेगा और कलाहीन बनाएगा। तो ब्रह्मा की सोल पहले पहले 16 कला संपूर्ण बनती है। पहला पत्ता है वो सृष्टि का जो 16 कला संपूर्ण बनता है। सतयुग की पहली पीढ़ी में उसके लिए खास गाया जाता है इस दुनिया में 16 कला संपूर्ण और कलाहीन। कलाहीन कब बनता है? जब उसकी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है तब कहते हैं कलाहीन, और जब रोशनी से भरपूर हो जाता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। वो तो जड़ चंद्रमा है, हमें तो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा की पहचान हो चुकी है। ये सचरूपी मांडवे में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं, परंतु वो तो हैं जड़ सितारे, और ये हैं आत्मा रूपी धरती के चैतन्य सितारे, चैतन्य चंद्रमा, चैतन्य सूर्य। तो जिस चंद्रमा के लिए 16 कला संपूर्ण गाया जाता है वो अकेला 16 कला संपूर्ण बनता है कि उसकी पीढ़ी में और भी आत्माएं हैं जो 16 कला संपूर्ण बनती हैं? हैं? अष्टदेव भी हैं जो पूरे ही 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उनको अष्टदेव कहा जाता है कि 8 भगवान कहा जाता है, उनका देव ही टाइटल है, वो भी 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो जो ये 16 कला जो है एक मीजरमेंट है आत्मा की शक्ति का, आत्मा की रोशनी का। आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है वो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण होती है और कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे उन तथाकथित ब्राह्मणों ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है, नृत्य कला, गायन कला, ऐसी ऐसी कलाओं के जो नाम दिए हैं वो तो दुनियावी कलाएं हैं, वास्तव में आत्मा की शक्ति का मीजरमेंट है 16 कला से, और कोई बात नहीं है। और पूर्व जा माने पहले पहले जिसने जन्म लिया
वो हुए पूर्वज। तो टोटल धर्म कितने हैं? जितने दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं उतने ही धर्म हैं। जितनी दिशाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके कोण, तो आठ दिशाएं हुई। ये आठ दिशाएं ही अष्टदेव जो उनके पहले पहले पालना करने वाले बनते हैं। जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है तो नई दुनिया के फाउंडेशन में वो अष्टदेव उन अष्ट दिशाओं को कंट्रोल करने वाले बनते हैं। फाउंडेशन में ही आठ राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई पड़ेंगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, तमो प्रधान बनती जा रही है या सतो प्रधान बनती जा रही है? तमो प्रधान बनती जा रही है। तो तमो प्रधान बनने की निशानी क्या होती है? सतो प्रधान की निशानी क्या होती है? सतो प्रधान की निशानी है धर्म सत्ता राज सत्ता एक हाथ में, और तमो प्रधान की निशानी है धर्म सत्ता राज सत्ता अनेक हाथों में। तो चाहे बेसिक की दुनिया हो उसमें भी देखा जाता है जब तक ब्रह्मा बाबा मम्मा जीवित रहे तब तक सारे ब्रह्मा ब्राह्मण परिवार का संचालन माउंट आबू से ही होता था, वहीं से डायरेक्शन सारे निकलते थे। लेना देना सारा कहां से होता था? माउंट आबू से। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद रावण आया और अपना अपना जोन अलग अलग कर लिया, जोनल इंचार्जेस बन गए 69 में, और अलग अलग राजाइयां देखने में आ गई। ऐसे ही एडवांस में भी जो आदमी हुआ वो सब अंत में भी देखने में आवेगा। अभी भी एडवांस की दुनिया में अलग अलग पार्टियां अपना अस्तित्व बना रही है या नहीं बना रही है? 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 अलग अलग पार्टियां एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में अपना अपना अलग अलग अस्तित्व बना रही है या नहीं बना रही है? बना रही है? हाँ, अभी अपरिपक्व स्टेज में है। ऐसा भी टाइम आएगा कि वो राजाइयां परिपक्व स्टेज में सामने आ जाएंगी। तो उनका उन राजाइयों का मूल मुखिया तब क्लियर हो जाएगा जब परिपक्व स्टेज में आवेंगे। अभी मूल मुखिया दिखाई नहीं पड़ता है तो उनकी परिपक्व स्टेज भी नहीं है। तो वो जो आठ दिग्पाल हैं, जो शास्त्र में गाए हुए हैं, वो यही अष्टदेव हैं। आठ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये बात दूसरी हो सकती है कि कोई राहु के सहयोगी देखने में आवेंगे, शुक्राचार्य के सहयोगी देखने में आवेंगे और कोई बृहस्पति गुरु के सहयोगी देखने में आवेंगे। अच्छे और बुरे, राइटियस और लेफ्टिस्ट, दो ग्रुपों में बट जाएंगे।
अष्ट देवों में से चार हैं रुद्रमाला से और चार हैं विजयमाला से, चार जोड़े होंगे। और बाप होगा बीच में, क्या नौवां भी गाया हुआ है कि नहीं गाया हुआ है? वो है वैल्यूलेस। तो नौ में से आठ निकाल दो एक तरफ, उनकी मुंदरी बनाई जाती है, चारों तरफ वो आठ रत्न दिखाए जाते हैं और बीच में बाप को दिखाया जाता है। तो कहेंगे कि बाप हो गया उन सब का बीज आठों का, जो लास्ट वाला रत्न है वैल्यूलेस है या कहें नास्तिक है, उसका भी बीज कौन है? है बाप। जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है उसका भी बीज कौन है? उसका भी बाप। माने जो आठों हैं उन आठों का बीज है मूल बाप। तो जैसे आठ धर्म पिताएं हैं, जो खास खास गिने जाते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, आस्तिक कहे जाते हैं, उनका भी बीज बाप है। और जो लास्ट वाला नास्तिक है उसका भी बीज बाप है। इसलिए मुरली में बोला है भारत इस समय है पूरा नास्तिक। पूरा नास्तिक माने नास्तिक और आस्तिक का अर्थ क्या है? नास्तिक माने जिसकी किसी के ऊपर आस्था न हो, और आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। तो जो प्रजापिता है जब तमो प्रधान बनता है तो उसकी किसी के ऊपर आस्था रहती है? है? शास्त्रों में भी गाया हुआ है प्रजापिता जब तमो प्रधान बना तो भगवान को भी गालियां बकने लगा। सर काट दिया। तो दुनिया का अच्छे से अच्छा और दुनिया का बुरे से बुरा संस्कार अगर देखना हो तो किसमें देखें? एक बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का। वो 100% तामसी भी बनता है और 100% सात्विक भी बनता है, बाकी उससे आठ और बीजों की पैदाइश होती है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ तैयार होता है। जैसे कोई झाड़ होते हैं खास करके बरगद का ही या पीपल का, तो उसमें नीम भी पैदा हो जाता है, आम भी पैदा हो जाता है, पाकर भी पैदा हो जाता है, कई प्रकार के वृक्ष एक ही वृक्ष के तने से निकल आते हैं। ऐसे ही ये एक बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। और
साथ उससे अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्मों की डालियां निकलती है। ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं वो हैं अपने धर्म के पक्के, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो हैं अपने धर्म के कच्चे भारतवासी। तो जो कच्चे हैं वो हैं आधार मूर्त जड़ें, उन जड़ों को जन्म देने वाले ये अष्टदेव हैं। तो कहेंगे दूसरे दूसरे धर्मों में उन बीजों से ज्यादा पुराना कोई होता ही नहीं। हाँ, टोटल मिला के सब प्रकार के जो बीज हैं और धर्मों के, उन सब का बीज एक बाप है। और अष्टदेव जो हैं यज्ञ के आज में भी थे, और उन्होंने ही आधार मूर्तों जड़ों को जन्म दिया है, क्योंकि जड़ों से पहले होता है बीज। क्या हुआ, भाग रहा है क्या? हाँ, अरे भाग जाएगा क्या? बैठ 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 बैठ, भूख लगी नहीं ना? हाँ, उपन्यास उपन्यास ये क्या बात, कुछ समझ में आई कोई बात क्या पूछ रही है? उपनिषद उपनिषद हैं अनेक प्रकार के। हाँ जी, ठीक है। और उप उप माने नजदीक, निषद माने बैठने वाले, जो गुरु के नजदीक बैठने वाले हैं उनको कहते हैं सन्मुख बैठने वाले। बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं? बहुत नजदीक रहेंगे तो नजदीक के संस्कार आएंगे, संग का रंग लगेगा। दूरबाज खुशबाज होंगे तो उतना संग का रंग नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद अभी सूक्ष्म शरीर में है, हमेशा थोड़े ही सूक्ष्म शरीर में। हाँ, कभी रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करते हैं तो उनकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सत्य रूपी चक्र में पहले आएंगे, या उनको जन्म देने वाले जो बीज है पालना करने वाले वो पहले आएंगे, तो वो ज्यादा पावरफुल हुए ना। बाबा अभी वो ब्रह्मा बाबा से आत्मा को पूर्व जन्मों का स्मृति रहती है ना, ऐसे सभी आत्मा जो शरीर छोड़ते जब देहबान होता है तो पूर्व जन्मों की स्मृति उतनी नहीं रहती है। देहबान पूरा ही खता खलास हो जाएगा तो पूर्व जन्मों की स्मृति भी आ जाएगी। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं आप? सभी आत्मा जो शरीर छोड़ते हैं उनको स्मृति होती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ, लौकिक दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी जो शरीर छोड़ते हैं उनको पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, माना दूसरे जन्म लेने तक, दूसरे जन्म लेने तक उनका स्मृति। कोई जरूरी नहीं कि उनको पूर्व जन्म की स्मृति रहे ही रहे, कोई को रहती है, सात्विक आत्मा है तो रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी। कोई तो ऐसे होते हैं कि जिंदा में ही अपने पूर्व जन्मों की बातें बताते हैं। और
अमृत वेला की विशेषता के बारे में बताओ। जैसे कोई फसल बोई जाती है तो फसल हमेशा बोई जा सकती है या उसका कोई खास मौसम शुरू होता है? है खास मौसम शुरू होता है और शुरुआत के मौसम में जो बीज डाला जाता है वो ज्यादा फलीभूत होता है और जब मौसम खलास होने लगता है समाप्त होने लगता है फिर बीज डाला जाता है तो उतना फल नहीं देता है। ऐसे ही ये अमृत बेला एक प्रकार का फाउंडेशन बेला है। इस फाउंडेशन बेला में हम जो भी संकल्पों का बीज डालते हैं वो पावरफुल होता है। मान लो हमने बीज रूप स्टेज का फाउंडेशन डाला अमृत वेला में ज्यादा, तो हम निसंकल्पी पहले बन जाएंगे। निसंकल्पी बनना माने किसके नजदीक पहुंचना है? शिव बाबा की नजदीक पहुंचना। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो अमृत वेला कहो या पुरुषोत्तम संगम युग कहो बात एक ही है। वो है बेहद का पुरुषोत्तम संगम युग और ये है रोज रोज का संगम। क्या? अमृत वेला। कल का दिन पूरा हुआ और आज का दिन शुरू हुआ। हम रोज रोज पुरुषार्थ का अपना घड़ा भरते जा रहे हैं। तो अगर अच्छा पुरुषार्थ करना है तो अमृत वेले का फाउंडेशन अच्छा डालना चाहिए तो सारा दिन सुहाला बना रहेगा। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब अगर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो चाहे अमृत वेला हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो चाहे रात हो कोई की याद नहीं आएगी। हाँ अमृत वेला ऐसा टाइम है जहाँ हम जितना ही पुरुषार्थ ज्यादा करना चाहते हैं उतना ही तिरसठ जन्मों के हिसाब किताब जल्दी जल्दी आएंगे तो अच्छा है ना। जल्दी जल्दी हम क्रॉस कर जाएंगे। हिम्मत हार के बैठ जाना चाहिए क्या? है नहीं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। वैसे भी जितना ज्यादा कड़ा माया का वार हो उतने ही कड़ा पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए। तो हमारे कड़े पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाएंगे। इतना तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार भी पड़ सकते हैं कि हम एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन सकते हैं। तो अच्छी बात है ना। इसलिए बोला है अगर अमृत वेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। अमृत वेले की विशेषता के बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेले भी सब हैं। कोई न कोई बहाना
पूछा जाए तो बता देंगे, ये परेशानी वो परेशानी, ये समस्या वो समस्या है। अरे तो बाबा डायरेक्टर नहीं है ड्रामा का, रंगमंच का? हाँ, आप रंगमंच पर रिहर्सल करने आए हैं और डायरेक्टर आपसे रिहर्सल करा रहा है, तो खेल खिलाएगा नहीं? हाँ, और हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, प्रशांत महासागर। हाँ जी, तो है सागर धरती पे चंद्रमा ऊपर है। हाँ, पृथ्वी का कोई हिस्सा टूटेगा तो पृथ्वी का जो पत्थर है, ईंट पत्थर और मिट्टी है, वो अलग होगा या पानी अलग होगा? है? पानी तो पृथ्वी की तरफ खींच जाएगा, क्यों? लिक्विड है। और जो पत्थर है वो पृथ्वी की परिधि से अलग हो गया, अब फिर भी पृथ्वी के आकर्षण में है, इसलिए पृथ्वी के आसपास घूमता है, पृथ्वी का ही उपग्रह है। पृथ्वी पर ही है, सात सागर हैं, उनमें सबसे बड़े सागर का नाम है प्रशांत महासागर। अमेरिका और एशिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया, इनके बीच का जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर कहा जाता है। चलो।